मैडी स्टूडेंट वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल इंग्लिश क्लासेस। दोस्तों आपको पता है हमने द्रोणा बैच स्टार्ट कर दिया है एसएससी एमटीएस का, जिसकी आज हम आपको कराने वाले हैं क्लास नंबर सेकंड, और इसमें आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से सिंपल इंटरेस्ट को समझाने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। प्लस आपसे हमने कहा था कि हर चैप्टर की क्लास होगी और इस क्लास को पूरी तरीके से आपको प्रॉपरली तरीके से बेसिक से लेकर हाई लेवल तक समझाया जाएगा। तो चलिए दोस्तों क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं और कॉन्सेप्ट के साथ समझ लेते हैं कि भैया चुटकियों में हमें सिंपल इंटरेस्ट को कैसे उड़ाना है। देखिए प्यारे बच्चों, हम बात कर रहे हैं सिंपल इंटरेस्ट की। किसकी बात कर रहे हैं? सिंपल इंटरेस्ट की। और आप सभी को पता है कि सिंपल इंटरेस्ट में परसेंटेज की आपको जरूरत पड़ती है। तो छोटा सा कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं उसके लिए कि हमें करना क्या है। ठीक है, देखिए हम जानते हैं कि प्यारे बच्चों कि सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला सभी को पता है कि ऐसा ही बराबर होता है पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा तोड़ लेते हैं। देखिए यहां से ये होता है टाइम और ये होता है आपका रेट। ठीक है, और यहां से रेट का परसेंट हटाने के लिए लिया जाता है आपका 100। कैसे? देखिए पहले बनते हैं कॉन्सेप्ट और उनसे बनती है बाद में ट्रिक्स। ठीक है, कैसे? सपोज कीजिए प्यारे बच्चों, मैंने आपसे कहा कि किसी ने किसी से 10,000 रुपये उधार लिए। कितना लिया? 10,000 रुपये उधार। ठीक है, अब उसने कहा भाई 5% की ब्याज लगेगी। तो कितने की ब्याज लगेगी? 5% की ब्याज लगेगी। तो ये 5% है तो हम देखेंगे हमें कितना पैसा देना होगा। तो हम क्या करते कि 10,000 रुपये को लिखते और 5% इसका निकाल देते और परसेंट हटाने के नीचे लेते 100, तो ये 100 इस वजह से आता है। ठीक है, अब वो कहता है कि भैया उसे 3 महीने की ब्याज निकालनी है, तो यहाँ 3 मंथ का यहाँ पे क्या कर देते, डिवाइड मल्टीप्लाई। लेकिन एक बात आपको समझनी है कि यहाँ पर जो ये फॉर्मूला होता है वो ईयरली वाला होता है। अगर आपसे मंथली की बात की जाएगी तो आपको यहाँ पे 12 लेना पड़ेगा, क्योंकि एक साल में 12 मंथ आपके होते हैं। ठीक है, अब ये छोटा सा कॉन्सेप्ट था, लेकिन आपको भी एक छोटी सी सिंपल सी बात बता देता हूं कि आपको याद क्या क्या रखना है। ठीक है, देखिए अगर हमने किसी से 10,000 रुपये उधार ले लिए और ब्याज उसकी बैठी सपोज कीजिए 500 रुपये। ठीक है, तो अगर उसकी ब्याज 500 बैठी और यहां पर हमने 10,000 उधार लिए तो 10,000 में 500 ऐड किया तो 10,500 हो जाएगा। क्लियर सी बात है, तो ये हो जाएगा आपका अमाउंट। क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? अमाउंट। ठीक है, तो आपको कुछ नहीं याद रखना, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट याद रखना है, उसी से सारी चीजें आपके क्लियर होंगी। देखिए अगर बात करता है एसआई की, तो सिंपल इंटरेस्ट होता है आपका आर इंटू टी, जो कि होता है आपका प्यारे बच्चों परसेंटेज। ठीक है, अगर वो बात करता है अमाउंट की, तो आपको पता है प्यारे बच्चों होता है कि अमाउंट होता है एसआई प्लस सॉरी पी प्लस आर इंटू टी परसेंटेज। ठीक है, बस इतना आपको ध्यान रखना है, इन दो कॉन्सेप्ट से आपके आंसर चुटकियों में निकल जाएंगे। ठीक है, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? कोई डाउट नहीं होना चाहिए, किसी भी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए कि हमें इंटरेस्ट कैसे फाइंड करना, और चुटकियों में निकालेंगे, देखना ध्यान से। ठीक है, अब पहले क्वेश्चन के साथ शुरुआत करते हैं और इसी क्वेश्चन से हमारा क्लियर हो जाएगा कि हमें करना कैसे भाई। देखिए तो प्यारे बच्चों हमसे कहा गया है कि 2800 रुपए की राशि पर 12.5% की दर से 4 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा। अब ध्यान से समझना मेरी बात को, बहुत ही बारीकी से देखो, हमें क्या निकालना है? ऐसा ही, ऐसा ही निकालना है। ऐसे ही होगा आपका आर इंटू टी, जो कि होगा परसेंटेज। ठीक है, रेट है आपका 12 से 1/2, मतलब कितना हो जाएगा? 25/2, ये तो आपको पता है। ठीक है, इंटू टाइम कितना है आपका? 4 इयर्स। टी मतलब टाइम, 4 इयर्स, 2 से 2 टाइम क्रॉस होगा, 2 का 25 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 50%। ठीक है, और आपको पता है किसी नंबर का 50% उसका हाफ होता है, मतलब कितना हो गया? 1400। ये आ गया आपका आंसर। अब आप इसको माइंड में ही सॉल्व कर सकते थे, भैया 12.5 हो गया, 4 का गुणा करेंगे तो 12.5 × 24 सॉरी 25, और 25 से डबल हो जाएगा 50, मतलब 12.5 का 4 में गुणा करते तो सिंपल सी बात है 50% आता। और किसी नंबर का 50% निकालना होता है बहुत ही ज्यादा सिंपल। लेकिन अगर आप इसको फॉर्मूले में रख के करते भाई कि ऐसा ही बराबर पी इंटू आर इंटू टी
अपॉन 100, तो यहां तक बहुत सारा टाइम आपको लग जाता, वही तो बचाना है भाई। तो फिर फॉर्मूले की जरूरत ही क्या थी। ठीक है, और क्वेश्चन करते हैं, इसी कॉन्सेप्ट से सारे क्वेश्चन उड़ा के बताऊंगा मैं आपको, ये आपको ध्यान रखना है बस। ठीक है, देखो इसने कहा है प्यारे बच्चों कि 7300 रुपये 5% वार्षिक ब्याज की दर से 11 मई 1987 से 10 सितंबर 1987 तक साधारण ब्याज कितना होगा। ठीक है, दोनों दिन का सम्मिलित मिलाना है, 11 तारीख को भी जोड़ना है और 10 सितंबर को भी जोड़ना है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब ध्यान से सुनना, देखो बात हो रही है प्यारे बच्चों किसकी, अब यहां पे डेज की बात हो रही है, हमें क्लियर पता है कि बात हो रही है 11 मई से किसकी बात हो रही है प्यारे बच्चों, 1987। ठीक है, और ये हो रही है सितंबर, कितना 10 सितंबर, कितना 1987 से, तो ये तो सेम है, इसको जरूरत ही नहीं है आपको लिखने की। ठीक है, डिपेंड करता है कि 11 मई से, आपको पता है मई का जो महीना होता है वो होता है आपका 31 का, 31 का। ठीक है, तो यहां से अगर हम सीधा सीधा 11 से ही लें तो 21 दिन तो आपके वो हो गए इसमें, देखो मई के कितने हो गए प्यारे बच्चों 21 दिन, कितने हो गए 21, क्योंकि 10 के बाद देखो अगर वैसे हम 31 में से इसको माइनस करते तो कितना आता 20, लेकिन हमें एक दिन वो भी तो लेना है जो 11 मई वाला है, तो 21 दिन ही हो गए मई के, हो गए मई के बाद आता है जून, जून में होते भाई 30 दिन, फिर आता है जुलाई, ठीक है जुलाई में होते हैं 31 दिन, क्योंकि दिन समान रहे ना भाई, और जुलाई के बाद आता है अगस्त, अगस्त में होते हैं भाई 31 दिन, ये दोनों महीनों में 31 दिन होते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है सितंबर, सितंबर में होते हैं आपको पता है 30, लेकिन इसने कहा 10 सितंबर, तो 10 आपके ये हो जाए। ठीक है, यहां से ये हो जाएगा आपका 3, और ये हो जाएगा प्यारे बच्चों यहां से आपका हो जाएगा 3 और 3 6 और 3 9 9 1 10 10 और 2 12, 123 हो जाएगा। ठीक है, अब प्यारे बच्चों आपको कुछ नहीं करना, मैंने आपको बताया था ऐसा ही निकालना है, तो ऐसा ही होता है आपका आर इंटू टी परसेंटेज। ठीक है, अब देख लो यहां से रेट कितना है प्यारे बच्चों, ध्यान से समझना, रेट है आपका कितना 5%, और टाइम कितना है आपका 123 दिन है, लेकिन 365 में इसको कन्वर्ट कर देंगे, क्योंकि ये फॉर्मूला जो होता है वो ईयरली होता है। ठीक है, अब देखो आपको करना क्या था, करना आपको कुछ नहीं है, थोड़ा सा एक बार इसको ऐड और कर ले, 3 3 9 और 2 11 और ये 12। ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आपको क्या करना है प्यारे बच्चों, यहां से इसको क्रॉस कर लेना। ठीक है, क्रॉस करेंगे तो 5 7 35। ठीक है, और यहां से हो जाएगा प्यारे बच्चों, यहां से 1 5 3 15 73 आ गया। ठीक है, कितना आ गया 73 आ गया, तो आपको ये परसेंटेज आ गया अब आपका। ठीक है, तो यहां से अगर मैं आपसे कहूं कि ये आ गया आपका 123/73, और ये दे रखा है आपका प्यारे बच्चों कितना 73। ठीक है, अपॉन परसेंट हटाने के लिए हम 100 लेते हैं, लेकिन हम इसमें डायरेक्ट ही इसका परसेंट निकाल दे तो 100 वैसे ही क्रॉस हो जाता, तो यहां से ये 2 जीरो गायब हो जाएंगे, 73 से 73 गायब हो जाएगा, मतलब आप 100 लिख लीजिए और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो आपका कितना आ जाएगा 123, कितना आ जाएगा 123। आपको वैल्यू भी ऐसी देगा जो कि आपकी क्रॉस हो रही होंगी और कोई आपको समस्या इसमें नहीं मिलेगी। ठीक है, और देखते हैं, देखो इसमें ऐसे बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चन मैं आपको कराने वाला हूं, टेंशन लेने की आपको बिल्कुल जरूरत नहीं है। देखो छोटा सा सिंपल सा ये कह रहा है, 3 वर्ष के अंत में 2000 रुपये की राशि एक साधारण ब्याज की दर से 300 रुपये हो जाती है। ठीक है, तो समान दर पर वही समान दर पर समान अवधि के लिए 6000 रुपये पर साधारण ब्याज क्या होगा। देखो ध्यान से देखो, 2000 रुपये जो हैं 3 वर्ष में कितना साधारण ब्याज देते हैं 300। ठीक है, अब वो कह रहा है 6000 रुपये 3 वर्ष में ही उतने ही रेट से कितना पैसा देंगे, तो भैया ये तो बहुत ही सिंपल है, बच्चों वाला है ये, इसका कितना गुना हो रहा है 3 गुना, तो यहां भी कितना हो जाएगा, क्योंकि टाइम और रेट तो सेम है, तो ये भी कितना हो जाएगा 3 गुना, कितना हो गया 900। चुटकियों में झटाक से आंसर। ठीक है, क्या था बताइए, कुछ था इस क्वेश्चन में, अगर मुझसे अब कोई कहे कि सर ये क्वेश्चन इतना जल्दी हो सकता है, तो क्या है भाई इसमें, अब देखो इसका भी बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट बताऊंगा मैं आपको, ध्यान से देखिएगा कि कोई धनराशि साधारण ब्याज की दर से, साधारण ब्याज से 15 वर्ष में अपने से 3 गुनी हो जाती है, तो कितने समय में वह अपने से 5 गुनी हो जाएगी। ठीक है, देखो
अब यहां से देना है वर्ष और यहां लिखना है आपको गुना, ठीक है। मैंने बहुत पहले ये कॉन्सेप्ट बनाया बताया था आपको, एक डेढ़ साल पहले भी, तो वही क्वेश्चन कराना काफी जरूरी था, ठीक है। देखिए यहां पहले दे रखा 15 वर्ष, और 15 वर्ष में हो जाती है वो 3 गुने, ठीक है। अब आपको कुछ नहीं करना प्यारे बच्चों, यहां से वो कह रहा है कि 3 गुनी हो जाती है, तो कितने समय में वह 5 गुनी हो जाएगी, तो कितने समय में वह 5 गुनी हो जाएगी, ठीक है। आपको कुछ नहीं करना है, केवल सिंपल सा इस गुने में से 1 माइनस आपको कर देना, ठीक है, क्योंकि वो होता है आपका प्रिंसिपल, ब्याज ब्याज आपका रह जाता है, तो ये आ जाएगा 2 और ये आ जाएगा आपका 4। इनको हटा देना है भाई, और यहां से क्वेश्चन को कर लेना है सॉल्व। इनको काटना चाहते तो ये क्रॉस भी हो जाएगा, 2 का मल्टीप्लाई इसमें और 1 का होगा इसमें, तो एक्स ये हो जाएगा आपका, और 2 का मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका 30, और ये आ जाएगा आपका प्रॉपर तरीके से आंसर, ठीक है। कोई डाउट तो नहीं है, सिंपल सा पैटर्न मैंने आपको बता दिया, कुछ नहीं आपको करना, ना N1 ना T1 जो कि आपके माइंड में आपको कन्फ्यूजन दे। ये देख लो कितना सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन कन्फ्यूजन तो रहती है भाई, इसको बड़े बारीकी से समझना है। पहले भी ऑलरेडी इस टाइप के क्वेश्चन में काफी करा चुका हूं आपको। देखो साधारण ब्याज की दर से 800 रुपए की राशि 3 साल में 920 हो जाती है, यदि ब्याज की दर 30% कम कर दी जाए तो 3 साल बाद वह राशि कितनी हो जाएगी। मेरे भाई अब ध्यान से समझना, देखो 800 रुपये हमने उधार लिए, ठीक है, प्रिंसिपल 800 था, 3 साल में 3 साल में प्यारे बच्चों वो कितना हो गया, 920 हो गया, ठीक है, कितना हो गया, 920 हो गया। तो यहां से जो ब्याज मिला होगा, जो इंटरेस्ट आपको मिला होगा, वो कितना मिला होगा, 120 मिला होगा, ठीक है। अब वो कह रहा है कि ब्याज की दर 3% कम कर दी जाए तो 3 साल बाद में क्या होगा, टाइम तो सेम है, ठीक है, टाइम तो क्या है प्यारे बच्चों, सेम है। अब मेरी बात को बड़े ध्यान से आपको समझना है प्यारे बच्चों कि अब जो 3% इस पे कम हुआ होगा 800 पे तो कम हुआ गया, ऐसा नहीं तो और किसी पे कम हो गया होगा। अगर 800 रुपये 3% कम हुआ था 3 वर्ष के लिए, ठीक है, उसको कम करके देखते कितना कम आ जाता, तो 8 + 3 = 24 और 24 + 3 = 72 72 हो गया, ठीक है। तो 72 इसमें से हम कर देंगे माइनस, तो ये आ जाएगा यहाँ पे 8 और यहां से हो जाएगा आपका प्यारे बच्चों यहां से ये देखिए 11 में से ये 4 और ये आ जाएगा आपका 8, ये आ जाएगा आपका आंसर। ना कोई फॉर्मूला, ठीक है, और ना कोई ट्रिक, सीधा कॉन्सेप्ट, सीधा क्या है, कॉन्सेप्ट, ठीक है, ध्यान से समझो। दोबारा रिपीट करते हैं हम इसको, देखो हमने क्या किया प्यारे बच्चों, 800 रुपये उधार लिए थे, 3 वर्ष में वो 3% की ब्याज से 920 हो रहे थे, ठीक है। अब इससे अमाउंट से तो कोई मतलब नहीं रखना, क्योंकि अमाउंट पे तो यहां इंटरेस्ट नहीं मिलता, सिंपल इंटरेस्ट में प्रिंसिपल में मिलता है। तो हमें एक बात तो क्लियर होगी भैया, अब यही से होगा, अब 800 रुपये पर 3% के हिसाब से 3 साल के लिए कितना कम रहा होगा, 72 और 72 रुपये माइनस कर दो, सीधा सा आंसर। और देख लेते हैं क्वेश्चन, ऐसा कंफ्यूजन ही ना रहे भाई, टाइम अलग अलग आ जाए तो। अब ध्यान से देखना मेरे भाई, ध्यान से आपको देखना है, हाँ तभी तो क्लियर होगा। देखो साधारण ब्याज की दर से 1400 रुपये की राशि 3 साल में 1727 हो जाती है, यदि ब्याज की दर 4% अधिक हो जाए तो 6 साल बाद, 4% है, ये परसेंट लगाना रह गया है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो ध्यान से, ये कह रहा है कि 1400 रुपये की राशि है, ठीक है, 3 साल में 1727 हो जाती है, ठीक है, ये 14000 लग गया। देखो अभी एक जीरो बढ़ जाता तो तुम्हारा दिमाग और कंफ्यूज हो जाता, ठीक है। तो यहां से जो इंटरेस्ट रहा होगा वो 327 रहा होगा, कितना रहा होगा, 327। अब देखो ध्यान से, 4% अधिक कर दी जाए, वहां कम था तो कम कर रहे थे, अधिक कर दी जाए तो अधिक, 4% 6 साल के लिए, तो 1400 रुपये का 4% 6 साल के लिए, ठीक है। तो यहां से 2 जीरो से
छः छक्का 24, ये 24 गुणा हो जाएगा 14, 14 चौका 56 और यहाँ से ये 5 और 14 दुनिया 28, 28 और 5 33, 336। ठीक, अब 336 डायरेक्ट इसमें तो नहीं बढ़ा सकते क्योंकि ये था 3 साल का, हमसे कह रहा है 6 साल का। तो प्यारे बच्चों, जब 1 साल में 3 साल में, अब ध्यान से समझना कॉन्सेप्ट को भाई, 3 साल में जो ब्याज मिला है 327 मिला है, तो 1 साल में कितना मूल होगा 109। ठीक है, बात आई समझ में? समझ में आई कि नहीं आई भाई? मेरी बात को बड़े ध्यान से समझना। तो 1 साल में कितना मिला होगा 109 ब्याज मिला होगा, ठीक है कि नहीं? अब 3 साल में क्या हो जाता है ये 1727, तो अब हमें 6 साल का चाहिए, तो 6 का कितना हो जाता है 6 × 54, 654। तो पहले इस प्रिंसिपल में हम सीधा सीधा 3 साल का, 6 साल का ये हो गया, या फिर 3 साल के बाद इतना हो रहा था 3 साल को और इसमें बढ़ा दो, तो ये कितना हो जाता प्यारे बच्चों 2000 कितना हो जाता 54। ठीक है, अब रेट बढ़ने के बाद इसको ऐड कर दीजिए 336, तो ये आ जाएगा आपका 0 और यहाँ से भी कितना आ जाएगा आपका यहाँ पे प्यारे बच्चों 9 और यहाँ से हो जाएगा आपका 2 और ये 3, ये आ जाएगा 2390 आपका आंसर। ठीक है, बात आई समझ में? एक बार रिपीट करके और देख लेना तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, टेंशन ही नहीं है। और भाई कई साल से ऐसे क्वेश्चन में बार बार पे आपको कराता हुआ आ रहा हूँ। ठीक है, अब देखना ध्यान से मेरी बात को। एक व्यक्ति 3500 रुपये साधारण ब्याज की दर से लोन लेता है, 3 साल बाद वह बैंक में 1500 लौटा देता है और कर्ज उसके बाद 2 साल बाद वह 2725 रुपये देकर अपना सारा कर्ज चुका देता है। अब देखो यहां से बड़े ध्यान से इसको समझना, प्रिंसिपल की अगर हम बात करें तो 3500 लिया था, ठीक है, और अमाउंट उसने टोटल कितना दिया था भाई? एक बार तो 1500 दे दिए और एक बार दे दिए 2725, तो टोटल हो गया 3725, वो सॉरी, ठीक है, टोटल कितना हो जाएगा 27 और 15 हो जाएगा आपका प्यारे बच्चों 42 25। ठीक है, तो यहां से उसने जो इंटरेस्ट दिया होगा, उसने जो इंटरेस्ट दिया होगा प्यारे बच्चों, वो कितना दिया होगा 725। ठीक है, कितना दिया होगा 725, 3500 4225। ठीक है, बात आई समझ में भाई? समझे नहीं आप? 3 साल में उसने कितने वापस कर दिए 1500, ठीक है, 2 साल में 2725 देकर खत्म उसकी कहानी होगी भाई। ठीक है, अब ब्याज हमारा कितना आ गया 725 रुपये। ठीक है, अब ध्यान से देखना, अब ब्याज आ गया हमारा 725 रुपये को रखेंगे इधर, पहला अमाउंट 3500 ही रहा होगा, जो 3500 जमा रहे होंगे उसके 3 साल तक तो रहे होंगे भाई। ठीक है, रेट हमको नहीं पता, अपॉन 100। ठीक है, उसके बाद 1500 उसने दे दिए तो 2000 रहे होंगे। ठीक है, 2000 जो रहे होंगे वो कितने समय के लिए रहेंगे? 2 साल के लिए, रेट हमको नहीं है पता, अपॉन 100। ठीक है, जीरो से जीरो काटिए भैया, ये जीरो से ये जीरो काटिए, तो ये आ जाएगा आपका 725 और ये हो जाएगा भैया 35 × 105 R और ये हो जाएगा प्यारे बच्चों 40 R। ठीक है, तो ये हो जाएगा 145 R, बराबर हो जाएगा 725। इसका इसमें देंगे डिवाइड, तो R बराबर आ जाएगा 725/145। अब इसको 5 से क्रॉस कर लेते हैं, 5 × 5, ठीक है, 5 × 4 = 25 और यहाँ से 5 × 5 = 25, मतलब 145 टाइम ये पूरा क्रॉस उससे डायरेक्टली हो जाएगा। ठीक है, तो 5% आपका आ जाएगा आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। ठीक, अब देखो मैं समझाने में इतनी स्पीड दे रहा हूं तो मैं एग्जाम करता तो कितनी स्पीड होती। ठीक है, तो इसी तरीके से आपको अपनी स्पीड बनानी है और बहुत ही जल्दी क्वेश्चंस को क्या करना है प्यारे बच्चों, सॉल्व करना है, ऐसी कोई इसमें प्रॉब्लम आने वाली आपको नहीं। ठीक है, देखो अब ऐसे क्वेश्चन को भी बड़े ध्यान से समझना है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन को देखो कैसे करते हैं कि 2500 रुपए की राशि को 2 भागों में इस प्रकार बांटा जाता है कि पहले भाग को 5%, दूसरे भाग को 7% की दर से दिया जाता है, 2 साल में दो कुल ब्याज कितना हो जाता है 265 रुपये हो जाता है, प्रत्येक भाग की राशि आपको बतानी है। एक तो सीधा सीधा तरीका ही है भाई कि हमें पता है कि 2500 रुपये हैं। ठीक है, पहला जो भाग था
वो आप एक्स समझ लीजिए, ठीक है, जो कि था 5% की दर से, ठीक है। दूसरा जो हिस्सा था वो 2500 माइनस एक्स होता, वो कितने की रेट से होते प्यारे बच्चों, यहाँ पे 7% की रेट दर से, ठीक है, और दोनों दो दो साल के लिए थे, ठीक है। तो प्रत्येक दो सालों से कुल साधारण ब्याज, तो दो सालों से कुल साधारण ब्याज, पहले कॉन्सेप्ट समझ लेते, ठीक है, दो सालों से कुल साधारण ब्याज, तो ये हो जाएगा आपका 10x/100 प्लस ये हो जाएगा 2500 माइनस एक्स गुणा 14/100, कितना ब्याज आ रहा था प्यारे बच्चों, 265, ठीक है। ये एलसीएम लेके इधर चला जाएगा, ये तो आप जानते होते हो, जाएगा सीधा सीधा 10x, ठीक है, प्लस ये 0 0, 14 5 हो जाएगा 70 7, और 14 2 28 और 7 हो जाएगा 35, ये हो जाएगा आपका 14x बराबर हो जाएगा 2 6 5 1 2 0, ये बढ़ जाएगा इसमें, ठीक है। यहाँ से 14 में से 10 तो माइनस का 4x आएगा, ठीक है, बराबर 2 6 5 2 0 माइनस 35, ठीक है। यहाँ से ये बड़ा है ये छोटा है, ठीक है, 35,000 और ये 26,500, तो 5,000 तो सीधा सीधा वो हो गया, तो इसको हम कलर दूसरा ले लेते हैं, 5,000 सीधा सीधा 35,000, 5,000 सीधा सीधा वो हो गया, और 3,500 ये हो गया, तो 8,500 हो गया, तो 4x बराबर हो गया 8,500, ठीक है, क्योंकि यहाँ से भाई 3,500 बचा, 5 ये रहा, ठीक है, ऐसे माइनस कर लिया करो, माइनस से माइनस करो, सो 4 से काट दो इसको, 4 2 8, 4 1 4, और यहाँ से 4 2 8, 4 5 20, 21 25, ठीक है, 21 25 वाला ऑप्शन ये रहा, आ गया आंसर, ठीक है, बात आई कि नहीं समझ में। तो इस कॉन्सेप्ट से तो आपको हमेशा याद रखेगा, लेकिन दूसरी जो ट्रिक है उससे आप इसमें कन्फ्यूजन में भी आ सकते हैं, इसलिए उसको मैं नहीं बता रहा हूँ, फालतू में झमेला बन जाएगा, ठीक है, क्योंकि तो उसका कॉन्सेप्ट नहीं बनता, वो सीधे सीधे ट्रिक चलती है, ठीक है। अब देखो इस क्वेश्चन को बड़े ध्यान से समझना और बहुत ही बारीकी से समझना, कैसे, ये 21,140 रुपए को दो भागों में इस प्रकार बांटा जाता है कि पहले भाग को 8% की दर से 3 साल के लिए और दूसरे भाग को 9% की दर से 2 साल के लिए दिया जाता है, तो दोनों भागों से प्राप्त साधारण ब्याज समान हो तो राशि बताइए। देखिए एक न्यू पेज लेते हैं और क्लियरली समझाते हैं, ठीक है, देखो देखो, जब साधारण ब्याज समान हो, जब साधारण ब्याज क्या हो, समान हो, तो ध्यान रखा प्रिंसिपल P1 रेशियो P2 रेशियो P3 P3 तक ले लेते, 3 लोग से ज्यादा नहीं देता, ये होता है 1/R(t), R(t) सिंपल इंटरेस्ट होता है कि नहीं होता, मैंने आपको बताया था ना कि परसेंटेज में, ठीक है, अब यहां परसेंट की जरूरत नहीं है, ठीक है, रेशियो 1/, ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको, यहां से R1 इसको 1 इसको T1 इसको R2 इंटू इसको T2, ठीक है, और ये हो जाएगा 1/R(3)T3, ठीक है। अगर जब मिश्र धन बराबर हो, मतलब बराबर बराबर बांटा जाए, ठीक है, तो आपको यहां से A1 रेशियो A2, ठीक है, यहां से आप इसको P1 ही P2 ही लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, यहां से इसको सीधा समझना आपको, 1/, बाकी सब सेम रहेगा, ये हो जाएगा P+R1(r)2, बात है कि नहीं सब, R1(t1) रेशियो 1/ P+R2(t2), देखो ये हो गया ब्याज और ये हो गया प्रिंसिपल, तो ये बन गया अमाउंट, ठीक है, बात है समझ, ऐसे थर्ड वाला हो जाएगा 1/, यहां से P+R2(r)3(t3), ठीक, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। अब देखो इस क्वेश्चन को देख लेते हैं, ठीक है, इसमें साधारण ब्याज समान है, तो यहां से देखो P1 रेशियो P2 दो भागों में ना, 1/ सीधा रेट इंटू टाइम 24, ठीक है, सीधा रेट इंटू टाइम 18, ठीक है, एलसीएम लो भाई 72 हो गया, 72
एलसीएम आ गया 72 का इसमें डिवाइड देंगे तो ये आ जाएगा 3 और ये आ जाएगा 18 6 4। तो प्रिंसिपल जो होगा P1:P2 जो होगा होगा 3:4 में। ऐसे क्वेश्चन आपने काफी देखे होंगे, टेंशन ना लें, अब आपका आंसर आने लगेगा। ठीक है, तो ये हो गया 7 7 हो जाएगा। दोनों भाग बताने हैं तो पहले आपको P1 बताना है, सपोज कीजिए। तो यहाँ टोटल कितना हो रहा है, ये 7 और ऊपर कितना है 21 140। पहला भाग कितना है 3, तो ये 7 3 21 और 0 7 2 9 14, ये 0, ये हो जाएगा 0 6 0 9 90 60। ऑप्शन चेक कीजिए 90 60 ये वाला। ठीक है, एक ये सही है तो दूसरा भी पार्ट निकाल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये था 21 140 बटे 7 और दूसरा पार्ट कितना था 4, तो ये काटा पीटी करके आ जाएगा आपका ये वाला। ठीक है, बात आई समझ में, 120 80। ठीक है, तो ये तो प्रिंसिपल था। अब अमाउंट वाला देख लेते हैं, जब बराबर बराबर बांटा जाए। सिंपल है, बहुत ही कॉन्सेप्ट से समझा रहा हूं मैं आपको, ज्यादा कंफ्यूजन नहीं है किसी में। आपको लगे कि हाँ कि सर इतनी कंफ्यूजन हो रही है, बिल्कुल भी नहीं है, टेंशन ना लें आप। ठीक है, अब देखो लास्ट वाला क्वेश्चन देख लेते हैं, कुछ नहीं है इसमें। देखो 2790 रुपए की राशि को 3 भागों में इस प्रकार बांटते हैं कि प्रत्येक भाग को 10% के साथ ब्याज की दर से 2 वर्ष 4 वर्ष व 5 साल के लिए दिया जाता है। यदि सभी भागों से प्राप्त मिश्रण बराबर हो तो प्रत्येक भाग की राशि आपको बतानी है। कुछ नहीं है इसमें। देखो यहां से अमाउंट प्रिंसिपल ही निकालना है, सीधा सीधा P1:P2 लिख लीजिए। ठीक है, प्रिंसिपल को। ठीक है, यहां से आपको कुछ नहीं करना है, 1/ प्रिंसिपल लेट 100% ले लीजिए प्लस R×T। पहला, सॉरी तीन थे, ये तीन प्रिंसिपल थे। ठीक है, तीन थे तो मैं थोड़ा इसको यहां लिखता हूं नीचे वाले पोर्शन को, P1:P2 क्योंकि आ नहीं पाएगा, और P3। ये 1/ ये हो जाएगा 100 प्लस 10 × 220 1/100 प्लस 10 × 4 40 1/100 प्लस 10 × 5 50। ये हो जाएगा 120, ये हो जाएगा 140 और ये हो जाएगा 150। जीरो को उड़ा दो भाई। ठीक है, अब ले लो इसका एलसीएम, बताइए समझ में। अब ले लो क्या है इसका प्यारे बच्चों, एलसीएम। ठीक भाई, 10 × 20 10 × 40 50 सीधा सीधा 120 में ये जुड़ गया। एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा आपका, यहां से 2 गायब गया, 15 180 180 से 7 में मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो 7 का 180 × 7 18 7 126, 18 5 90, 18 6 108 18 7 126, तो 1260 एलसीएम आ जाता। तो यहाँ से 12 के इसमें जाता, 12 कम 12 और 12 5 60 105 बार। ठीक है, तो 105 ये आ जाता आपका रेशियो। 14 का इसमें जाता, 14 9 126 90 ये आ जाता प्यारे बच्चों। और 5 का जाता, 15 का जाता यहाँ पे, 15 120 और 15 6 60 84 आ जाता। ठीक है, अब आपको इसको ऐड कर लेना। ठीक है, ऐड कर लेना ये। ठीक है, तो यहां से जो P1 P2 बनेगा प्यारे बच्चों, P1 P2 और P3 निकालना। तो ये P1 आ गया, ये P2 आ गया और ये P3 आ गया। ठीक है, तो ये 279 आ रहा है। कितना आ रहा है प्यारे बच्चों, 279। ठीक है, ऐड हो गया 279। तो यहां से 279/279 × पहला 105, 10 बार 10 का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 1050। ठीक है, पहला आ गया, ऑप्शन मैच कर लीजिए, बाकी सब आप आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, अगर MTS की तैयारी कर रहे हैं तो ये कैलकुलेशन आपको करके मुझे 2 P1 और निकाल दिया, P2 P3 आपको मुझे बताना है। और आप सैंपल रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्यारे बच्चों प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर कीजिए। भाई उनका भी एग्जाम आ रहा है और एडमिट कार्ड आ चुके हैं, आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है शेयर करना ना भूले। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।